हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमल का आर्ट। आज मैं आपको मैक्रम की डोरी से मिरर बनाना सिखाऊंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मैं आपको सिखाती हूँ मैक्रम मिरर बनाना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक 10 इंच का राउंड शेप का मिरर और सेम साइज़ की दो रिंग चाहिए हमें, राउंड शेप वाली, और 2 इंच की एक छोटी रिंग चाहिए, एक वुडन स्टिक चाहिए 10 इंच की, लाइटर, सीजर। और यहाँ मैंने 2 कलर का मैक्रम यूज़ किया है, वाइट एंड स्काई ब्लू। व्हाइट कलर का मैंने बहुत कम यूज़ किया है। आपके पास अगर कोई सा बचा हुआ कम मैक्रम हो तो किसी भी कलर के साथ आप कॉम्बिनेट कर सकते हैं। और 2 कलर के बीड्स यूज़ किए हैं, फ्लावर वाले, ब्लू एंड वाइट, एंड सेम 2 कलर के हैंगिंग्स। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 4 कोट ब्लू कलर की कट करके रखी है और 12 कोट व्हाइट कलर की। ये सभी कोट की लेंथ मैंने 3-3 मीटर रखी है और 80 कोट मैंने 24 इंच की कट करके रखी है ब्लू कलर की। पहले हम 3 मीटर वाली कोट को अटैच करेंगे 10 इंच की रिंग के अंदर। सबसे पहले हम ब्लू कलर के 4 कोट लेंगे और उसे हम अटैच करेंगे रिंग में। उसके बाद हम व्हाइट कलर की कोट अटैच करेंगे, 6 कोट इस तरफ अटैच करेंगे और 6 इस तरफ अटैच करेंगे। हमने 4 कोट ब्लू कलर की अटैच करी है और 12 कोट व्हाइट कलर की 3-3 मीटर की, 6 कोट इधर करी है और 6 कोट इस तरफ करी है। अब 24 इंच वाली हम 20 कोट इस तरफ अटैच करेंगे और 20 इस तरफ अटैच करेंगे। मैंने 20 कोट इस तरफ अटैच कर ली है और 20 इस तरफ अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर हम 10 इंच का मिरर रखेंगे और हमारी सेकेंड रिंग रखेंगे 10 इंच वाली, और अभी नीचे वाली सभी कोट को ऊपर वाली रिंग में अटैच कर लेंगे। पाइपिंग नहीं करना है हमें, सिर्फ ऊपर एक बार इसे राउंड लेते हुए ऊपर की रिंग में अटैच कर लेंगे सभी कोट को 1 बाय 1। ऊपर की कोट में अटैच करने के बाद जो हमारा एरिया इधर से ऊपर का छूटा हुआ है, इसमें हम बची हुई 40 कोट हमारे पास है, अब वो हम सिर्फ ऊपर की रिंग में अटैच करेंगे। 24 इंच वाली कोड हमारे पास 40 और ही कट करी हुई, इन्हें हम 1 बाय 1 ऊपर वाली रिंग में अटैच कर देंगे। सभी कोट रिंग के अंदर अटैच हो गई है। 80 कोट हमारी 24 इंच वाली है जो मैंने ब्लू कलर की कट करी है, वो भी हमने रिंग में पूरी में अटैच कर ली है। और 12 कोट यहाँ पर हमने व्हाइट कलर के लिए 6 इस तरफ अटैच करी है और 6 इस तरफ, और बीच में 4 कोट ब्लू कलर की है। ये सभी कोट की लेंथ 3 मीटर है, बाकी 80 कोट की लेंथ हमारी 24 इंच है। टोटल 96 कोट है हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कोट छोड़ेंगे और फिर 2 कोट पकड़ कर उसमें 1 मोती डालेंगे व्हाइट कलर का। मोती डालने के बाद 1 स्क्वायर नॉट लगाएंगे पास की, 1 कोड इस तरफ की, 1 इस तरफ की लेकर। फिर 1 कोट छोड़ेंगे, फिर 2 कोट लेकर और 1 मोती डालेंगे। सेम प्रोसेस हमें पूरे रिंग के अंदर करना है। ये व्हाइट कोट के अंदर हम ब्लू कलर का मोती डालेंगे। हमने पूरी फ्रेम में बीट अटैच कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी, 1 नॉट यहाँ से छोड़ेंगे और नेक्स्ट 2 नॉट लेंगे और 2 के बीच में 1 स्क्वायर नॉट लगाएंगे। फिर ये छोड़कर अगली 2 नॉट लेंगे और 2 के बीच में फिर 1 स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ऐसी सेम प्रोसेस हमें पूरी फ्रेम के अंदर करना है। पूरी फ्रेम में हम नॉट लगाने के बाद में इस टाइप से डिज़ाइन बनाएंगे। ये मैंने कैसे बनाई है मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, 2 स्क्वायर नॉट लगाई, फिर दोनों के बीच में 1 स्क्वायर नॉट लगाई। अभी 8 डोरी हमारे पास है, इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 4 इधर और 4 इधर,
और जो एक नॉट हमने पास में छोड़ी थी उसकी चारी को हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे इस टाइप से। ये चारी कोट हमारी इस तरफ आ जाएगी पाइपिंग होकर। अगली दो नॉट जो हमने लगाई है उसकी आठों कॉट को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, चार ले लेंगे इस तरफ और जिस टाइप से इस साइड हमने करी है पाइपिंग वही चार कॉट को हम इस तरफ पाइपिंग करके यहाँ ले आएंगे बीच में। वन बाय वन हमें ये चार कॉट को पाइपिंग करना है। दोनों साइड से चार चार कोट को पाइपिंग कर लिया है। अब चार कोट हमें इस तरफ से मिली है, चार इस तरफ से। बीच की दो कोट लेंगे हम और इसमें एक वाइट कलर का मोती डाल लेंगे और पास वाली एक कोट इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, एक स्क्वेयर नॉट लगाएंगे। अब ये दो कोट इधर कर लेंगे, दो इधर, एक स्क्वेयर नॉट इस तरफ लगाएंगे और एक इस तरफ लगाएंगे। अब हम बीच के फिर चार कॉर्ड लेंगे और एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस तरह से हमारा एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस हमें पूरे फ्रेम के अंदर करना है। ये देखिए एक कॉलम कंप्लीट हो गया है, इसे हमें पूरी फ्रेम के अंदर करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डिज़ाइन पूरी फ्रेम में बना के कम्प्लीट कर ली है। अब जो हमारे एक्स्ट्रा कॉर्ड बची हैं उन्हें हम कट करके पीछे की तरफ चिपका लेंगे। जिस कॉर्ड से हमने पाइपिंग की वो तो थोड़ी थोड़ी छोटी है, ये बीच की जो कॉर्ड है वो थोड़ी बड़ी है। इन्हें हम कट करेंगे और पीछे की तरफ चिपका लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने एक्स्ट्रा कॉर्ड को सभी को पीछे की तरफ चिपका लिया लाइटर की मदद से। अब हम मिरर को टांगने के लिए यहाँ पर हमें 2 इंच की रिंग अटैच करेंगे। यहाँ पर 5 ब्लॉक मैंने इस तरफ छोड़े हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 5 ब्लॉक इधर हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 ब्लॉक के बीच के जो चार चार कोट हैं अपने हमारे पास उसके उसमें हम एक्स्ट्रा हाफ ऑफ मीटर की कोट अटैच करेंगे। चार चार कोट हमारे पास दोनों साइड है, इसमें हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। दोनों साइड चार चार स्क्वायर नॉट लगाएंगे। चार चार स्क्वायर नॉट दोनों साइड लगाने के बाद हम इन सभी कोट को 2 इंच की रिंग में पाइपिंग कर लेंगे। दोनों साइड एक एक कोट हम छोड़ देंगे और बीच की 3 कोट लेंगे। उसको एक बीच वाली कोट को हम इसे रख के और स्क्वायर नॉट लगाएंगे। दो दो स्क्वायर नॉट हमें दोनों बेल्ट में लगाना है। Thank you.
सेम प्रोसेस इधर भी करना है, एक बीच वाली कोट में स्टे रखकर उससे स्क्वेयर नॉट लगा लेंगे दो। अब हम ये सिक्स कोट को कट करके उसे पीछे की तरफ चिपका लेंगे। अब हमारे पास ये दो कोट है, इससे हम इस रिंग को कवर कर लेंगे। एक कोट को इस साइड वाली को हम कट करेंगे रिंग के साइज में, इसके यूँ घुमाते हुए और इधर पीछे की तरफ अटैच करेंगे, और इस कोट से हम रिंग के ऊपर पूरी भी पाइपिंग कर लेंगे। मिरर टांगने के लिए ऊपर कंप्लीट हो चुका है, अब हम नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे हमारे तीन बेल्ट बनेंगे, दो साइड वाले बेल्ट की डिज़ाइन सेम बनेगी और बीच वाले एक बेल्ट की डिफरेंट बनेगी। कि दो बेल्ट के लिए हमने आठ आठ डोरी दोनों साइड छोड़ दी है। अब बीच में हमारे पास चार डोरी वाइट इस तरफ है, चार इस तरफ है, और बीच में आठ डोरी ब्लू कलर की है। अब ये चार वाइट कोट के ऊपर हम चार ब्लू कोट इस तरफ पाइपिंग करेंगे और चार इस तरफ पाइपिंग करेंगे। सेम प्रोसेस हमें इस साइड भी करना है। ये चार कोट पास वाली इस तरफ पाइपिंग होके जैसे इस तरफ बीच बीच में आ गई है, वैसे ही ये चार कोट भी इधर पाइपिंग होके बीच में आ जाएगी। दोनों साइड से पाइपिंग करने के बाद हम एक स्क्वायर नॉट इस तरफ लगाएंगे, एक इस तरफ लगाएंगे। बीच में हमारे पास आठ कोट है, पहले हम बीच की चार कोट लेकर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे, फिर साइड वाली दो दो एक्स्ट्रा कॉर्ड हमारे पास है, उन्हें अटैच करके फिर दो स्क्वायर नॉट लगाएंगे। हम दो साइड से लेंगे, दो बीच की नॉट जो है वो दो कॉर्ड लेकर और इस तरफ एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। एक इस तरफ लगे। और फिर बीच की चार कोट लेकर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। जो प्रोसेस हमने ऊपर करी है वही सेम प्रोसेस हम नीचे करेंगे। चार चार जो हमारे पास कोट हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, चार इस तरफ चार इस तरफ, और ये ब्लू कलर की कोट को इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। तो ये चार इस तरफ बाहर की तरफ आ जाएगी इस तरफ, और चार इस तरफ आ जाएगी।
दोनों साइड से हमने पाइपिंग कर लिया है। वाइट कलर की कोट दोनों साइड से बाहर की तरफ आ गई है। जैसे हमने ऊपर यहाँ स्क्वायर नॉट लगाई है, वैसे ही सेम प्रोसेस नीचे भी करना है। दोनों साइड हम एक एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे और बीच में जैसे वाइट कलर से चार स्क्वायर नॉट लगाई, वैसे यहाँ ब्लू कलर से लगाएंगे। हमारा एक ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमें दो ब्लॉक और बनाना है। सेम प्रोसेस हम इसमें भी रिपीट करेंगे। बीच के बेल्ट में हमने तीन ब्लॉक बना के कंप्लीट कर लिए हैं। जो साइड वाले वाइट कलर के बेल्ट बनेंगे उनकी डिज़ाइन सेम रहेगी। इसमें हम चार ब्लॉक बनाएंगे इस टाइप से छोटे छोटे। ये मैंने कैसे बनाए हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। चार डोरी है हमारे पास, इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। बीच के एक कॉर्ड को इस तरफ रख के पाइपिंग करेंगे और एक कॉर्ड को हम इस तरफ ये तीन कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। अब हम इस साइड के तीन कोट को वन बाय वन पाइपिंग करेंगे। हमारी इस टाइप की लाइनिंग वाली डिज़ाइन हमें बनेगी। तीन कोट पे पाइपिंग करने के बाद में जो दो कोट पे हमने ऊपर करा था पाइपिंग, वो दो कोट भी हम पाइपिंग करके इस तरह से नीचे ले आएंगे दोनों साइड से। अब हम बीच की दो कोट लेंगे और उसमें एक ब्लू कलर का मोती डालेंगे और एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अब हम सेम प्रोसेस जो ऊपर करी थी वही रिपीट करेंगे। ऐसे हमें चार ब्लॉक बनाने हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हम इस तरफ की कोट के ऊपर पाइपिंग नहीं करेंगे, इस तरफ की कोट के ऊपर पाइपिंग करेंगे। इसे इस डायरेक्शन में रखें तो हमारी लाइनिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस टाइप से बनेगी जैसे मैंने इस पार्ट में बनाया। देखिए तीनों बेल्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने वाइट कलर के बेल्ट के अंदर तीन तीन मोती लगाए हैं। जो नीचे का पार्ट है इसमें मैंने यहाँ पर मोती नहीं लगाए। अब हम तीनों बेल्ट के सारे कोट को 10 इंच की वुडन स्टिक के अंदर अटैच कर लेंगे। वुडन स्टिक में सभी कोट को अटैच करने के बाद में हम एक एक ब्लॉक इसके नीचे और बनाएंगे। ब्लू के नीचे ब्लू ब्लॉक बनेगा और वाइट के नीचे वाइट ब्लॉक बनेगा। इस तरह से हम तीन ब्लॉक वुडन स्टिक के नीचे बनाएंगे। वुडन स्टिक के नीचे हमने तीनों ब्लॉक बना कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कोट हमारी नीचे बची हुई उसे हम कट करके और हैंगिंग्स लगाएंगे। इसे हम वी शेप में कट करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से बीच की बड़ी रखेंगे
और साइड वाली कोट को घटाते हुए हम हैंगिंग्स लगा लेंगे इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी एक्स्ट्रा कॉर्ड में हैंगिंग्स लगा लिए हैं। हमारी मिरर की फ्रेम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे लास्ट में दोनों फ्रेम को मिलाते हुए दो एक्स्ट्रा कॉर्ड यहाँ से अटैच करेंगे दोनों साइड से। जो हमने कट करके रखी है उसमें से हम छोटे छोटे दो टुकड़े लेंगे और सेंटर पॉइंट के दोनों साइड से बराबर डिस्टेंस रखते हुए ऊपर की रिंग में हम एक कॉर्ड को अटैच करेंगे। पहले ऊपर वाली रिंग के अंदर इस टाइप से पीछे की तरफ निकाल लेंगे हम इसे। ऐसे ही इस तरफ भी एक डोरी लेंगे हम और रिंग को बीच में लेते हुए इसे पीछे की तरफ निकाल लेंगे। अभी हम दोनों डोरी को पीछे वाली रिंग में बांध लेंगे ताकि हमारा कांच सिक्योर हो जाए। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका मिरर टूट जाता है तो आप यहाँ से दूसरा मिरर फ्रेम के अंदर लगा सकते हैं आसानी से। अब ये कोट को हम कट करके और आपस में चिपका देंगे ताकि खुले ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मेकअप मिरर कंप्लीट हो चुका है। इसकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।